टेस्ट तो बहुत जबरदस्त है। पिएंगी तो टेस्ट के बारे में? मैं इसको आधा पी चुकी हूँ। सेल सेल बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सेल बढ़ती है तो आप ही इतने दुखी होके क्यों कह रहे हैं? आपको तो खुश होके कहना चाहिए। मीडिया में काम करते हैं और आप छुट्टी मांग रहे हैं? नहीं, मीडिया वालों को गर्मी नहीं लगती। अगर आप मुल्तान के रिहायशी हैं और आप गर्मी की शिकायत नहीं करते तो मेरे भाई आप मुल्तान के रिहायशी नहीं है। मुल्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में, और इस वक्त जो दर्जा हरारत है मुल्तान का वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अगले 10 दिन भी यही दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। तो मुल्तान में शदीद गर्मी पड़ रही है, ऐसे में हमने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला है। और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि ये गन्ने का जूस है। ये गन्ने का जूस गर्मी का तोड़ तसव्वुर किया जाता है, और आप देख सकते हैं कि फिज़ा मरियम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने भी हाथ में फालसे का जूस पकड़ा हुआ है। जी फिज़ा, गर्मी के बारे में बताएं कुछ। पहले तो गर्मी का तोड़ है, आपको पता होगा फालसा जो है सुपर फूड में शुमार होता है, और फालसा जो है गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। और मुझे तो ये बताएं आप कि आप भी गन्ने का जूस लिए हुए हैं, कैसा टेस्ट है और इसके फवायद भी बताएं। देखिए टेस्ट तो मैं पहले पी के आपको बताऊँगा। टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। अब देखें इसका फ़ायदा क्या है। गर्मी में आपको जब डिहाइड्रेशन होती है, इसका मतलब आपके अंदर पानी की कमी है, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर है जी ग्लूकोज। ग्लूकोज इज गार्डन इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। जैसे ही आप पियेंगे इंस्टेंट एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। प्लस इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो गर्मियों के लिए तो ये खजाना है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं वो ये नहीं पी सकते, वो इस्तेमाल नहीं। अच्छा, मैं आपको फालसे के जूस की एक बहुत अच्छी बात ये बताऊं कि अच्छा, ये मुझे पिएंगी तो टेस्ट के बारे में। मैं इसको आधा पी चुकी हूँ। अच्छा, इसमें जो है सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, डायबिटीज़ के जो शुगर के मरीज हैं, वो भी इसको पी सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर जो है वो बहुत कम मिकदार में होती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं जो मैदे के जो बीमारियाँ हैं उनसे आपको निजात दिलाती है, और इसके अलावा कैंसर का भी एक बेहतरीन इलाज है इसमें। हाँ, एक चीज़ मुझे बताएं, क्या इसको पीने से गर्मी ख़त्म हो जाएगी? अच्छा अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बात आपने की है। समझा ये जाता है कि ये जूसेस पीने से जो है गर्मी ख़त्म हो जाती है, या गर्मी ये गर्मी को जो है ना आपके अंदर सलाहियत पैदा करते हैं, जो आप फील कम करते हैं गर्मी को, गर्मी की बेसिकली ये बर्दाश्त को आपके अंदर बढ़ाते हैं, आपकी जो है कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा के ये आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होने देते इन जूसेस का। ये गिलास आपको कितने का मिला? अच्छा, ये गिलास मुझे 70 का मिला है। इकोनॉमिकल है वैसे? बिल्कुल इकोनॉमिकल है, बिल्कुल। जितना बड़ा ये गिलास है, जितना मैं इसको आधे से ज्यादा पी चुकी हूँ, तो ये बहुत इकोनॉमिकल है। अच्छा, मेरे साथ ना दुकानदार भी मौजूद है, उनसे चल के भी बात करते हैं कि ये इनका सीजन है और इस सीजन में किस तरह उनकी सेल पर असर पड़ता है। जी सर, मुझे बताइएगा, गर्मी का मौसम है, सेल शेल बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सेल बढ़ती है तो आप ही इतने दुखी होके क्यों कह रहे हैं? आपको तो खुश होके कहना चाहिए। थके हुए जूस पिला पिला के। अच्छा ये अब्दुल्ला, ये बात भी गौर करें, इस पे भी गौर करें कि इतनी गर्मी में ये अपने काम पे हैं और ये जो है जूस बना रहे हैं, मशीन चलाना बहुत मुश्किल है काम है, बहुत बंदे मजदूर के औकात, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आपने इनकी बात सुनी, दुकानदार इनका यही कहना था कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सेल में भी इजाफा हो जाता है। अच्छा फिजा, बात तो कर रहे हैं हम जूस की, कुछ गर्मी की बात करें जरा, मुल्तान के मौसम के बारे में बताएं। आज मुल्तान का जो पारा है वो इतना हाई है कि आज 47 डिग्री सेल्सियस मुल्तान का टेम्परेचर है, और ये अगले अगले कुछ दिनों में ये इतलात हैं महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई है कि मुमकिन है 50 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज कर जाए मुल्तान का टेम्परेचर। स्कूलों में तो छुट्टियां दे दी हैं 25 मई से 31 मई, बिल्कुल, कॉलेजेस और स्कूल्स और कॉलेजेस को दे दी है। आप अब्दुल्ला मीडिया में काम करते हैं और आप छुट्टी मांग रहे हैं? नहीं, मीडिया वालों को गर्मी नहीं लगती। बिल्कुल लगती है, लेकिन आपको जो है जूसेस पीने चाहिए और अपनी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना चाहिए, और आपको जो है गर्मी को बर्दाश्त करना चाहिए, गर्मी के तोड़ ढूंढें आप। ये लेसन फिजा मरीम की तरफ से आप तक पहुंच गया कि गर्मी में एहतियात करें, सरों को ढाम के निकलें, प्लस गर्मी की सलाहियत को, गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करने के लिए जूसेस का इस्तेमाल करें, गन्ने का जूस पिए। अच्छा फालसे का जूस जो है ये गर्मी का तोड़ तो है ही, लेकिन ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, तो ये इसलिए भी पीना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ भी है, कुछ यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चल के पूछते हैं, इन्होंने बात करनी है हमसे। जी आप बताएं, आप गर्मी आपको लग रही थी तभी आप यहाँ आए होंगे, तो क्या करने आए यहाँ पे, क्या आपके इरादे हैं? सर जूस वाली जगह जूस पीने आए हैं। जूस पीने आए हैं? किस चीज़ का जूस पीने? गन्ने का। गन्ने का? हाँ। सबने गन्ने का जूस पीना है। अच्छा आप
कोई बता सकता है गन्ने के जूस के फायदे क्या होंगे? मैदे को सही रखता है, हमारी जो हीट होती है ना उसको सही ठंडा रखता है हमारे मैदे। गर्मी में पीना चाहिए ताकि गर्मी ना लगे ज्यादा। आपने इनसे सुना, इनका यही कहना था कि ये मैदे को ठीक रखता है और गर्मी है, दोस्त हैं सारे यहाँ पे गन्ने का जूस पीने आए हैं। फिजा आप आ जाएं साथ और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको गर्मी के हवाले से कोई पैगाम दे दें। गर्मी के हवाले से यही पैगाम है कि डॉक्टर्स ने भी बार बार ये हिदायत जारी की हैं और हम भी आपको बार बार ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि गर्मी बहुत है, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलें भी तो सरों को ढांप कर निकलें और स्टे हाइड्रेटेड। और मेरी तरफ से भी एक पैगाम है कि फिज़ा की तरह आपने सिर्फ जूस दिखाना नहीं है बल्कि मेरी तरह जूस पीना भी है, ख़त्म भी करना, ताकि आप गर्मी से बचे रहें। और मैं भी आधा जूस पी चुकी हूँ।